हेलो गाइज, मेरा नाम है अनिल मनी और हम आपके लिए लेके आए हैं आज फ्यूजन होम्स में 3BHK प्लस स्टोर प्लस पूजा रूम और काफ़ी लग्जीरियस बेडरूम है ये 3BHK प्लस 3 टॉयलेट एंड पूजा रूम है, इसमें स्टोर रूम भी है और ये अब आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लग्जीरियस है, लिविंग एरिया है, काफ़ी सुंदर इन्होंने इंटीरियर कराया हुआ है और ये एज इट इज ही मिलेगा, सिर्फ फर्नीचर नहीं मिलेगा आपको इसमें। ये आपका पूजा रूम आ जाता है साइड में काफ़ी सुंदर बना हुआ है और आपको मात्र ये मिलेगा 115 करोड़ में। इसकी आस्किंग प्राइस आती है और विद रजिस्ट्री है, कवर्ड पार्किंग के साथ में है और इसमें आप देखेंगे काफ़ी सुंदर इनका पूरा इंटीरियर काफ़ी लग्जीरियस बनाया हुआ है। फ्लैट लगेगा ही नहीं कि ये फ्यूजन होम्स का फ्लैट है, क्योंकि फ्लैट के इंटीरियर से काफ़ी सुंदर एकदम लग्जरी बन गया है। ये आपको इनका फॉल सीलिंग देखने को मिलेगा पूरे घर में, काफ़ी अच्छी लाइटिंग बनाई गई है, काफ़ी अच्छी इन्होंने डिज़ाइन लगाए हुए हैं वॉल्स पर और ये सब एज इट इज मिलेगा इंटीरियर। तो आपको बस हटेगा इसमें से फर्नीचर, इसमें डाइनिंग एरिया आ जाएगा। अब ये डाइनिंग वॉल पे लगाया हुआ है पीकॉक, और ये 1635 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। मैन एंट्रेंस से जैसे ही आते हैं तो लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया ही आता है सबसे पहले और अटैच बालकनी के साथ में है लिविंग एंड डाइनिंग। डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने ही किचन बना हुआ है और आप फॉल सीलिंग देखेंगे डाइनिंग की, काफ़ी अच्छी अटैच वॉशरूम भी है साथ में। और अब हम चलते हैं इसमें मास्टर बेडरूम में, आपके बिल्कुल सपनों के जैसा घर लगेगा आपको और मात्र बहुत ही कम कीमत में आपको ये मिल जाएगा। वॉशरूम में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा इंटीरियर कराया है, इवन टाइल तक बदलवा दिए हैं, सिंक वगैरह तक बदलवा दिए हैं। अब आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम जिसमें कि टीवी पैनल भी बना हुआ है, इन बिल्ट अलमीरा है गाइस। इसमें सिर्फ आपको जो नहीं मिलेगा वो है, आपको इसमें सिर्फ बेड नहीं मिलेंगे और साइड टेबल वगैरह जो भी फर्नीचर है वो नहीं मिलेगा, बट इंटीरियर में जैसे इन बिल्ट अलमीरा है, इन बिल्ट इसमें आपको टीवी यूनिट है, डबल इसमें अलमीरा बने हुए हैं, अटैच वॉशरूम है, एज इट इज मिलेगा फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ, क्योंकि जो ये सब कुछ सेलर का है लाइक दैट, जैसे टीवी है इसमें, फर्नीचर ETC जो भी है वो नहीं मिलेगा। और फ्लैट काफ़ी लग्जरी है, आप रेडी टू मूव है और रजिस्ट्री हो रखी है ऑलरेडी। ये काफ़ी अच्छा कैप्चर किया है कैमरे ने हर चीज़ को। कई सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि आपको रेडी टू मूव है, ये विद रजिस्ट्री है, कवर्ड पार्किंग है और आपको इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा और एक लाइक दैट जैसे फूड डिज़ाइन इंटीरियर इन्होंने किया कराया। ये मॉड्यूलर किचन आ जाता है जिसमें कि आपको पूरे टाइल्स बदले हुए हैं और इवन जो स्लैब होता है उसमें भी काफ़ी अच्छा मार्बल का यूज़ करा है। इंटीरियर की बात करें तो आपको इंटीरियर में कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा डिज़ाइन कराया है इन्होंने किचन को और CNC कटिंग का भी प्रयोग करा है इसमें, सिंक एकदम लग्जरी सिंक बनाया हुआ है
हर चीज़ का इन्होंने काफ़ी चीज अच्छे तरीके से ध्यान दिया है, कहाँ पे कैसे, जैसे क्रॉप कहाँ रखना है, ग्रोसरी काफ़ी अच्छा वो बनाया हुआ है, बास्केट बहुत अच्छे तरीके से लगाई हुई है, और इंटीरियर में इन्होंने काफ़ी अच्छे वुडन का यूज किया है। करीब करीब इसमें 15 लाख रुपए का इंटीरियर हुआ है, एक्स्ट्रा वर्क जो हुआ है। बाकी तो आप अगर नोएडा एक्सटेंशन में देखेंगे तो काफ़ी करीब करीब 10,000 9,500 8,000 पर स्क्वायर फीट में कहीं अच्छे साइज़ में फ्लैट मिल पाते हैं। बट आपको इसमें जो भी चार्ज आएगा, एक रजिस्ट्री का आएगा जो कि 7% चार्ज आता है अगर हस्बैंड वाइफ के नाम आप प्रॉपर्टी लेते हैं, अदरवाइज आप अगर सिंगल मैन पर्सन के नाम लेते हैं तो 7% to 8% आता है, और ट्रांसफ़र चार्ज जो होता है लगभग 1% के आसपास, कम ही आता है अब तो 1% से भी, 40-50 हज़ार रुपये का ट्रांसफ़र चार्ज लगता है, और 1% से लेकर 1.5% तक ब्रोकरेज चार्ज जाता है इसमें। तो ऑलमोस्ट अगर लाइक दैट, जैसे 1/15 का ये फ्लैट है, और मोटा मोटी आप लेके चलेंगे तो 9% आप ऊपर का चार्ज लगा लीजिए इसका, इसमें आपके ब्रोकरेज भी होगी, टीएम चार्जेस भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई, तो आपको 9% 1/15 का लेके चलें आप तो ये कहीं ऑलमोस्ट सारे खर्चे लगा के आपका जो आपको पड़ने वाला है ये फ्लैट, ये लमसम पड़ेगा जाके 1/15 to, और इसमें आप प्लस कर लीजिए 10 लाख के अप्रोक्स, तो आपको ये पड़ने वाला है 1/25 का। इसमें आपके टोटल खर्चे आ जाएंगे 10 लाख के आसपास, रजिस्ट्री वगैरह इंक्लूड है, टीएम चार्जेस, रजिस्ट्री चार्जेस, तो इसमें सारे चार्जेस आपको इंक्लूड होके मिल जाएंगे। ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है जो कि किड्स रूम बना सकते हैं आप इसको, अटैच वॉशरूम के साथ भी है, अटैच बालकनी के साथ है, और इन्होंने वॉल्स वगैरह को काफ़ी अच्छे से वॉलपेपर वगैरह लगाया है, और इसमें ऑफिस रूम भी बना सकते हैं आप, स्टडी टाइप टेबल इसमें इंटीरियर में लगाया हुआ है। आपको इस घर में अगर विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी फीलिंग आने वाली है। हाँ, इन्होंने जो इनबिल्ट अलमीरा जो बनी हुई है जिसका एरिया, उसमें इन्होंने गोदरेज का वर्क करवाया है, ना कि वुडन अलमीरा बनवाई है। मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखकर। आप प्लीज़